हे एवरी वन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जो यूनियन रेस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है अभी। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात यहाँ पे अगर करते हैं तो हर एक जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, चाहे वो VLW का हुआ, फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, तो हमने एक कट ऑफ डिसाइड किया है। तो नियर हमेशा मैं आपको बता दूं कि 99% जो हमारा कट ऑफ होता है वो प्रेडिक्शन हमारी ऑलवेज सही होती है। तो इसमें बस ये क्यों हम बताते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कि कुछ बच्चे हैं जो कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। देखो, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जितनी आपने मेहनत करनी थी आप कर चुके थे, उसमें जितना आपने अटैम्प्ट करना था आप कर चुके थे। घर पे आके ये भी चीज़ें लगी होंगी आपको कि हाँ यार, इसका आंसर मैंने ये मार्क करना था और इसका आंसर मैंने ये मार्क कर दिया, तो गलती हो गई। तो ऐसा बहुत होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा सीन क्रिएट होता रहता है। वो हर एग्ज़ाम में होता है ऐसा, ये कोई यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो, इसमें सेक्शन क्या थी, टोटल जो था 80 मार्क्स का पेपर था ये। यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश की और उसकी कंप्यूटर की, GK की और मैथ प्लस रीजनिंग की। मैथ प्लस जो रीजनिंग है, मुझे देखो उसका लेवल जो था इजी था, ठीक है, इजी लेवल था इसका। GK जो थी ये भी आपकी इजी थी। इंग्लिश जो थी वो मुझे मॉडरेट लगी है, और इंग्लिश कंप्यूटर भी मॉडरेट और इंग्लिश भी मुझे मॉडरेट लगी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। यानी कि कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम इजी तो नहीं था, बिल्कुल इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। देखो, सिंपल सिंपली बात आते हैं। देखो, जिस बच्चे के आपको पता है कि 35 वर्ड्स पर मिनट में ये टाइपिंग स्पीड रहती है, तो इसका आपको पता है कि 7 मार्क्स इसके मिलते हैं 20 में से। जिसकी 40 रहती है उसको 8 मिलते हैं, जिसकी 50 रहती है तो उसको कितने मिलते हैं, 10 मिलते हैं। ठीक है, ये इसी वे पे आपको उस टाइम पे मार्क्स दिए गए होंगे। बस ये होगा कि 80 में प्लस टाइपिंग को ऐड कर दिया जाएगा, आउट ऑफ 100 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 100 में से यहाँ पे 75 के नियर अबाउट हैं, यानी कि कट ऑफ जो है, मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, वो 76 के नियर अबाउट जा सकता है आउट ऑफ 100। ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वैकेंसीज का भी देखो कम ही है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो 75-76 अगर आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ है तो आप एक सेफ जोन में लाइक कर रहे हो। बाकी की आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए हम बस इतना ही हम बता सकते हैं कि कट ऑफ जो है 75-76 के नियर अबाउट ही घूमने वाला है। तो उसके बाद देखो, आपका जब रिज़ल्ट आएगा वहाँ पे आपको 85 भी बच्चे दिखेंगे, 85 प्लस भी दिखेंगे, 80 प्लस भी कुछ एक दो स्टूडेंट दिख जाए, ज़्यादा नहीं देखते हैं। जो ज़्यादा लेयर जो होती है वो एवरेज स्कोर पे लाई करती है, और तो एवरेज स्कोर कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, एवरेज स्कोर कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। तो एग्ज़ाम वाज नॉट ईजी था, इसलिए कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं कि 76 कह सकते हो, 75-77, बस ये कट ऑफ आपका रह सकता है 100 में से, नॉट 80 में से, 100 में से ही आपका कट ऑफ रह सकता है। तो इस वीडियो में हम बस आपके साथ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट बॉक्स में आप ऐसा ना पूछे कि कैटेगरी है। देखो, कैटेगरी अगर आपकी है, कोई भी कैटेगरी, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप 3 से 4 मार्क्स आपके कम कर सकते हो। कैटेगरी वाले अगर हम SC ST की बात करें तो 70, 69, 70, 71 इतना मार्क्स रख सकते हैं। SC कैटेगरी की हम बात करें तो 73-74, बस इतना ही हम बोलेंगे, बाकी जो होगा रिजल्ट ही बताएगा। सो बाय, टेक केयर गाइज़।